तो अभी हम शुरू कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 16 से हमारा नहीं 17 से हमारा बाकी है। अभी शुरू कर रहे हैं 17 चैप्टर नंबर 8 का एमसीक्यू का टेस्ट है कल और मंडे हमारा चैप्टर 9 का टेस्ट रहेगा। 9 का पूरा चैप्टर का इस बार। चलो अभी शुरू करते हैं। याद रखना चैप्टर 9 का टेस्ट है मंडे रेगुलर टेस्ट और कल जेडब्ल्यू नीट में आपका टेस्ट है चैप्टर नंबर 8 का। चलो अभी शुरू करते हैं। प्रणव हाँ सर figure 9.32 shows a cross section of a light pipe made of glass fiber of refractive index 1.68 glass fiber hai aur ye normal hai iska incident rate ab denser medium mein jayega thodi badi beaker banata hu to aapko achhi tarah pata chale। बाकी ग्लास फाइबर बहुत छोटा होता है तो उसको छोटा ही दिखाना चाहिए पर ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ग्लास फाइबर ये उसका नॉर्मल है। यहाँ पे हम इंसिडेंट कर रहे हैं ये पाथ पे जाना चाहिए। अब ज्ञानी जब ये रैडर में से डेंसर में जाएगा तो टॉवर्ड्स द नॉर्मल यानी यार आपका छोटा हो जाएगा और ये आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे अभी ये ईटा हमें दिया है ग्लास फाइबर का कितना है 1.68 और जो बाहर है उसका है 1.44। आगे बोलो। The outer covering of the pipe is made of a material of refractive index 1.44. What is the range of the angles of the incident rays with the axis of the pipe for which total reflections inside the pipe take place as shown in figure? Okay, पहले ये सोचना चाहिए total internal reflection के लिए angle कितना होना चाहिए। तो पहले हम ऐसा बाहर की ओर जो मटेरियल है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44 तो भी आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। तो यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू हो सकता है उससे बड़ा होना चाहिए उससे कम तो नहीं होना चाहिए। और क्रिटिकल एंगल साइंस इज 1/8 ऐसा हम लिखते हैं उसका मीनिंग ये होता है क्रिटिकल एंगल का यहाँ पे ईटा डेंसर आएगा और ईटा नीचे रैडर जाता है वो रैडर ऊपर चला। याद रखना नॉर्मली हमारे पास बाहर का सरफेस एयर होता है पर यहाँ का बाहर का सरफेस ईटा 1 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है तो ईटा डेंसर अपॉन ईटा रेरर ऊपर चलेगा तो ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ चलेगा। अदरवाइज आप बोल रहे हैं तो 1 अपॉन ईटा डेंसर अपॉन ईटा रेरर लिख दो। ये ईटा है ना तो उसका ऐसा लिखना पड़ता है ईटा डेंसर अपॉन ईटा रेरर अभी आपको ये देखना पड़ेगा क्रिटिकल एंगल मालूम नहीं और ये ईटा रेरर है तो ईटा डेंसर है। अभी क्रिटिकल एंगल के बारे में पता नहीं है रेरर हमारा 1.44 है डेंसर हमारा 1.68 तो साइंस इज जो उसको डिवाइड करना पड़ेगा कितना आ रहा है 0.857 अभी नेचुरल में देखना पड़ेगा लॉग टेबल से। तो
थ्री नेचुरल साइन है उसमें 0.85 7172 डायरेक्ट है 59 डिग्री 0 मिनट ये है 59 डिग्री तो ये आपका 59 डिग्री इज अ मिनिमम ये क्रिटिकल एंगल इज मिनिमम तो यहाँ पे आपका 59 है ये 90 है तो आप ऐसा लिख सकते हैं ये आपका मिनिमम एंगल है मिनिमम तो ये आपका कैसा हो जाएगा मैक्सिमम तो ये आपका 90 है ट्राइंगल का एडिशन 180 होता है उसमें से ये 90 यूज हो गया ये आपका मिनिमम एंगल है उससे बड़ा होना चाहिए TIR करने के लिए TIR का मीनिंग क्या होता है नील टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसके लिए क्रिटिकल एंगल तो मिनिमम होता है तो ये मिनिमम होगा ये मैक्सिमम होगा तो मैं ऐसा लिखने वाला हूँ क्रिटिकल एंगल प्लस आर मैक्सिमम इज 90 किसी को कुछ भी डाउट हो टिपिकल प्रॉब्लम पे आ चुके हैं आप पूछ सकते हो किसी को भी पूछने का हक है तो ये मिनिमम है ये मैक्सिमम है तो सी प्लस आर मैक्सिमम इज 90 डिग्री ओके मैं लिख सकता हूँ ऐसा सर एक बार फरी एक्सप्लेन कर देना ठीक है देख आपने जो है साइन सी इज 1 अपॉन ईटा आपने जो है ये TIR करावा मुझे TIR उसका मीनिंग ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की शुरुआत कब होती है क्रिटिकल एंगल से और उससे भी बड़ा एंगल तो होना ही चाहिए क्रिटिकल से ज्यादा क्रिटिकल से कम तो नहीं होना चाहिए तो क्रिटिकल एंगल साइन सी इज 1 बाय ईटा तो ईटा क्या होता है तो ईटा इज टेंसर अपॉन ईटा रहा है एरर मेरे ऊपर चला गया टेंसर एरर मेरे 4 है टेंसर मेरे पास 1.68 है उससे हमारा क्रिटिकल एंगल ये हमारा मिनिमम एंगल है उससे बड़ा होना चाहिए तब TIR शुरू होता है ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा उसका एडिशन 90 रहेगा क्योंकि ये 90 तो यूज होगा ट्राइंगल में बताया ना ये 90 तो ये 90 यूज होगा तो दोनों का एडिशन 90 होगा तो IC is a critical angle plus R maximum is 90. तो अभी मैं R maximum तो R maximum 90 minus 59 तो R maximum 1 degree ये तो होना ही चाहिए वही आपका R ये आप ऐसा लिख सकते हो आर मैक्सिमम 31 होगा अभी है ना मुझे आई मालूम नहीं है पर मुझे ये मालूम है यहाँ पे है तो अभी ये पी पॉइंट पे थ्री के पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पी पॉइंट अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पी पॉइंट theta 1 sin I is eta 2 sin R maximum. Eta 1 is a 1. I is a incident angle मालूम नहीं है. Eta 2 1.68 है मालूम है. ये R maximum 31 है. Pre sin 31 की value natural sin से define करनी पड़ेगी. तो sin 31 की value क्या रही है नील? 0.515 और उसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है 3.262 कितना 3.262 नहीं इतना नहीं आना चाहिए कम आना चाहिए क्योंकि साइन की वैल्यू 1 के अंदर ही डिफाइन होती है 0.865 8652
86 power to 59 degree 54 minute. 59 degree 54 minute. It will be taken as 60 degree to each other. यहाँ पे ही है आउटर सरफेस, यहाँ नहीं है। बाहर से हम रे इंसिडेंट कर रहे हैं तो बाहर एयर है, यहाँ इनर आउटर की बात कर रहे हैं। जो बनी है ना ग्लास फाइबर की, उसका इनसाइड 1.68 है, आउटसाइड 1.44 है। वो कोर एंड क्लेडिंग बोला जाता है, इसलिए कोर और क्लेड, क्लेड इज आउटसाइड, वो क्या लीक ना हो ना, इसलिए जब हम री इंसिडेंट करते हैं तो लीकेज नहीं होना चाहिए, इसलिए उसमें क्लेडिंग करते हैं, तब उसका क्रिटिकल एंगल बनता है। तो अभी हमारा इंसिडेंट एंगल आ रहा है 60 डिग्री, तो 0 से 60 डिग्री में उसका टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कोई भी एंगल पे होगा। अब आप बोलोगे क्यों, तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं। यदि मैंने 60 से कम किया ये, तो मेरी एक बात सुनो, ये एंगल कम हुआ नहीं, तो ये एंगल आर मैक्सिमम से कम होगा कि ज्यादा होगा। ये इंसिडेंट एंगल में 60 से कम कर रहा हूं, 59 डिग्री 50 डिग्री, ये एंगल कम हुआ तो ये उससे भी कम होगा, बिकॉज द रे विल बी ट्रेवलिंग फ्रॉम रेरर टू द डेंसर, इट विल बी मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी ये उससे भी कम होगा। तो आर मैक्सिमम से कम होगा तो ये एंगल आपका बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो डी आई आर शुरू हो जाएगा। इसलिए 0 टू 60 डिग्री में किसी भी एंगल पे टोटल से 60 डिग्री के बीच में आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। तो हमें यही सेंटेंस यूज करना है, तो रेज एंटर एट देखो ये 60 डिग्री के लिए जो आ रहा है वो आर मैक्सिमम है। अभी ये 60 से कम हुआ तो ये उससे भी कम हो जाएगा, जितना इंसिडेंट एंगल छोटा हुआ तो ये एंगल अपने आप छोटा हो जाएगा, क्योंकि रे विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू द डेंसर। जितना ये एंगल बढ़ा है तो ये एंगल आपको बढ़ाना है, और ये कम हो जाएगा तो ये उससे भी कम हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा बोल सकते। तो उससे कम होगा, ये कम हो जाएगा तो ये बड़ा होगा, और बड़ा होगा और उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो डी आई आर हो जाएगा, तब हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा, बराबर है, तब आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो हम ऐसा सेंटेंस यूज करने वाले हैं कि 0 टू 60 डिग्री में डी आई आर होगा व्हेन रे एंटर तो ये हमारा फर्स्ट केस था, लिख लिया है सबने, नानी पता चला आपको, प्रियांशी, रुचि, मौली, कृष्णा, किसी को कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। नील हो गया है तुम्हारा, हो गया सबका? नील यस ओके।
सबका हो चुका है? 9 मिनट सर। ओके। व्हेन रेज एंटर 0 to 16 अगेन। सर सर तुम्हारा वीडियो नहीं देखा तो हो गया सबका ये बाकी है प्राची 10 मिनट्स अभी दूसरा पॉइंट ये हो गया है सबका रोशनी प्री यस हो गए हैं नील तेरा हो चुका है ओके प्रणव अभी उसका दूसरा पॉइंट हमें रीड करना पड़ेगा तो यहां नहीं किया yes, है तो करो चलो कभी आगे बढ़ रहा है चलो प्रणव दूसरा पॉइंट उसमें बी व्हाट इज द आंसर इफ देयर इज नो आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप व्हाट इज द आंसर इफ देयर इज नो आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप तुम्हारा आवाज प्रणव हाँ तू बोल दे सर संभ्राई से हेलो प्रणव हाँ सर सेकंड पॉइंट उसमें व्हाट इज द आंसर इफ देयर इज नो आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप व्हाट इज द आंसर इफ देयर इज नो आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप 2 मिनट ओके अभी प्रणव तो बोल दो प्रणव हाँ सर हाँ तू बोल सकता है व्हाट इज द आंसर इफ देयर इज नो आउटर कवरिंग व्हाट इज द आंसर इफ देयर इज आउटर कवरिंग सरफेस इज नॉट अवेलेबल तो अभी आउटर कवरिंग सरफेस हमारे पास नहीं है तो ये आउटर सरफेस नहीं है ओके तो यहाँ पे एयर हो जाएगी
आउटर सरफेस नहीं है तो यहाँ पे इफ आउटर सरफेस इज एब्सेंट आउटर सरफेस इज नॉट अवेलेबल अवेलेबल नहीं है तब क्या होगा तब साइन सी इज वन बाय ईटा यानी हमारे पास केवल ईटा 1.68 रहेगा तो हमारा क्रिटिकल एंगल यहां से हम डिफाइन करेंगे कितना आ रहा है प्रणव 1 / 1.68 0.5952 ये हमें नेचुरल साइन में डिफाइन करना पड़ेगा 0.5952 शिवराज 0.5952 ये आ रहा है 36 degree 30 minute पे 36 degree 30 minute में 5948 आ रहा है 0.5948 और उसमें हमें चाहिए 502 है तो ये हो जाएगा 36 degree 32 minute 0.5953 तो ये हो जाएगा 36 degree 32 minute ये हुआ क्रिटिकल पार मैक्सिमम 89 डिग्री 60 मिनट माइनस 36 डिग्री 32 मिनट तो ये आ रहा मैक्सिमम आपका कितना आ रहा है प्रणव 53 डिग्री कितना 53 डिग्री 28 मिनट्स ओके 28 मिनट 53 degree. तो अप्लाइंग दिस स्नेल्स लॉ की पॉइंट अप्लाइंग स्नेल्स लॉ at P point तो यहाँ पे आएगा eta one sine r is eta two sine r तो अभी eta one one है incident angle मालूम नहीं है eta two मेरे पास 1.66 है 68 sine 53 degree 28 minute तो ये 1.6 है 53 डिग्री 28 मिनट का तो ये 53 डिग्री 28 मिनट 8028 है और 4 में 7 है 7 यानी 803 पर अब आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.34 आ रहा है और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 90 जीरो से 90 डिग्री के लिए टोटल इंटरनल पॉसिबल है टोटल इंटरनल पॉसिबल
internal, total internal reflection possible for 0 to 90 degree, यानी पूरे एंगल के लिए ये पॉसिबल है. कोई भी एंगल आप लेंगे ना तो TIR पॉसिबल है. नील पता चल रहा है? हाँ, तो इससे मैं बोल रहा हूँ ना, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 हो सकती है, 1. तो 1 से तो बड़ा नहीं होगा, तो 0 से 90, और यहाँ पे एंगल आप देखो 0 से 90 से और नहीं बढ़ सकता, यहाँ तक उसके बाजू में तो पॉसिबल ही नहीं है. यानी ये हुआ 0 से 90 के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड पॉसिबल है. यानी वो जो हम ये बनाते हैं ना, जैसे आपको मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई डॉक्टर बनने वाला है तो जब हम बलून छोड़ रहे हैं तो ये पाइप यहाँ से डाल, यानी किसी के इनसाइड कोई चीज ब्लॉक है तो उसको डिफाइन करने के लिए किया जाता है. तो उसको जिसने बनाई है उसको बोला जाता है कि आपको 0 से 30 में डालना है या 0 से 20 में डालना है. उसका आउटर सरफेस से वो लोग डिसाइड करते हैं और डॉक्टर को इस हिसाब से रिलीज को डालना है तो उसको TIR मिलेगा और इंटरनल में कहाँ पे ब्लॉकेज है वो उसको पता चल जाए. तो वो यहाँ पे ऐसा यूज करते हैं. जो नहीं बोलते एयर बलून छोड़ना, वो उसके पहले का ये उसके बाद का प्रोसीजर है, TIR करना पड़ता है तो उसको पता चल जाता है कि कहाँ पे ये ब्लॉक हो रहा है. तो रेज आगे नहीं जाता, उससे पता चलता है कि कहाँ कहाँ ब्लॉकेज होता है. वो डिफाइन करने के लिए रेज का छोड़ना जरूरी है और कितने एंगल तक छोड़ना है ये यहाँ से डिसाइड होता है आउटर सर्फिस. ऐसा समझो ये एंगल तो पॉसिबल नहीं, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी तो उससे 90 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये 90 एंगल ही है. और प्रैक्टिकली भी तुम देख सकते हो ना, देखो यार 0 ये राइट एंगल पे है, यहाँ तक हम रेस डाल सकते, बाद में तो उसका TIR नहीं होगा, बाहर निकल जाएगा. हमें अंदर जाना है तो 0 से 90 के बीच में ही डालना पड़ेगा. चलो ये हो गया प्रणव. एक मिनट सर. ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं. 9.18 है ना, वो रीजनिंग टाइम है, वो लास्ट में करेंगे. अभी हम शुरू कर रहे हैं 9.19. रीजनिंग टाइम में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा. चलो अभी 9.19. हाँ. The image of a small electric bulb fixed on a wall of a room is to be obtained on the opposite wall 3 meter away by means of a large convex lens. What is the maximum possible focal length of the lens required for the purpose? Okay. तो अभी यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट है. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये डायरेक्ट आ सकता है, तो उसके पहले मुझे आपको एग्जांपल सिखाना पड़ेगा. ये लेंस है और ये हमारा वॉल रखी हुई है. ओके, अब सुनाई दे रहा है ना?
Yes. Okay. ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है और ये आपका इमेज डिस्टेंस v है. अभी हमें ये इमेज आपको यहाँ पे ही चाहिए तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये लेंस की फॉर्मूला है पर u आपका नेगेटिव रहेगा बिकॉज ऑफ लेफ्ट साइड. तो लेंस फॉर्मूला है 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज 1 अपॉन m. तो u इज ए नेगेटिव, यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ नेगेटिव बिकॉज ऑन लेफ्ट साइड. और दूसरी चीज, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज यहाँ पे मिल रही है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे ना तो इमेज वहां पे मिल जाएगी. यानी यू एंड वी बोथ आर द सेम, सिग्निफिकेंट मिल रहा है इससे इमेज आपको यहाँ पे ही मिलना चाहिए. इसलिए आपको ये लिखना पड़ेगा कि ऐसा भी हो सकता है कि यू प्लस वी इज ए डी, और हम ऐसा लिख सकते हैं वी इक्वल टू डी माइनस यू. तो v की जगह पे हम d माइनस यू लिख सकते हैं. तो अभी पहले 1 अपॉन v, ये 1 बाय u इज 1 बाय f. अभी v की जगह पे मैं d माइनस यू लिख रहा हूं, 1 अपॉन u इज 1 अपॉन f. तो इंस्टेड ऑफ v इमेज डिस्टेंस वी राइट d बाय u बिकॉज u प्लस v इज a d. तो अभी हम एलसीएम लेंगे u d माइनस यू अपॉन यू इंटू डी माइनस यू इज ए वन अपॉन एम. तो आपका u कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा f इक्वल टू यू डी माइनस यू स्क्वायर अपॉन डी एंड देयरफॉर एफ डी इक्वल टू यू डी माइनस यू स्क्वायर. अभी आपको यहां से u स्क्वायर माइनस यू डी प्लस एफ डी is equal to zero. तो ये आपका equation हुआ u square minus ud plus fd is zero. तो आपको मालूम है ये u का equation है. तो हम ऐसा लिख सकते हैं हमें distance u का equation चाहिए. तो u का equation के लिए हम ऐसा लिखते हैं ex square plus dx plus c is zero. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि a is one, b is minus d, c is f d. तो प्रीत लिखाएगा x equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac upon 2a. तो b मेरे पास है, b is minus d, b मेरे पास है minus d और a मेरे पास है 1 और c मेरे पास है f d upon 2a, a is 1. तो यहाँ पे आ रहा है d plus or minus d square minus 4fd upon 2. ये x है वो हमारा u है, object distance. तो at least ये greater than 0 होना चाहिए object distance. तो उसका स्क्वायर भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. तो डी स्क्वायर इक्वल टू 4fd होना चाहिए. तो d इज ग्रेटर देन 4f, यानी जो d डिस्टेंस होगा ना वो 4f होगा. ये हमारा फर्स्ट आंसर है. अभी मैं आपको ये प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व करवा सकता हूँ पर d इक्वल टू 4f ये मैंने प्रूव किया. ये आपको देखना था कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड उमर इज 4f, इसलिए ये मैंने प्रूव किया. ये बाहर का है, आपको सोना समझना चाहिए. ये दिख रहा है आपको पूरा? आप बोलोगे नहीं अच्छा नहीं लगेगा. ओके यस सर. ओके
हो गया सबका? यस सर। ओके चलो तो अभी हम शुरू करते हैं। जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है वो समझना है। प्राची तो ने लिख दिया है सर, 2 मिनट। ओके 2 मिनट सर। ये अभी 41 मिनट हो गए ना।